जब मैंने इस पर गाड़ी पे लगाई सीएनजी तो ऐसे झटके देती थी, ऐसे झटके देती थी कि अंदर बंदा हिल जाए। एक दिन ये गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो गई और क्रैंक सेंसर उड़ गया इसका। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है होंडा सिटी, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है और 2019 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। इस गाड़ी की एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि इस गाड़ी में आज से पहले अराउंड 1.5 साल पहले सीएनजी किट इंस्टॉल की गई थी, मगर गाड़ी के जो ओनर थे वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा नाखुश थे तो उन्होंने परेशान होकर इस गाड़ी से किट उतरवा दी। तो आज हम लोगों ने इसमें दोबारा से किट लगाई है। वो जो किट उन्होंने उतरवाई थी वो उन्होंने अपने पुराने वेंडर को ही वापस दे दी थी, तो आज हमने इसमें सारी चीज़ें ब्रांड न्यू ही लगाई है, कोई भी पुराना पार्ट हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें किस तरह से इंस्टॉलेशन की है, इसके क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या, और फिर एक बार ओनर से पूछेंगे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था और क्या इश्यूज वो उन्होंने फेस किया जो उन्होंने सीएनजी हटा दी। तो ये आज हम लोगों ने सीएनजी किट इंस्टॉल की है। शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके लिए अगर आपको दिख पा रहा हो ये हमारा गेज है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंजन में गैस को पंप करना। पीछे की तरफ आ जाएं तो ये हमारा ECM है, बेसिकली माइंड कहते हैं मुझे सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कॉम्पोनेंट सीएनजी के गाड़ी में लगे होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके स्टोर होती है। तो ये तो पार्ट्स हो गए सारे जो कि सीएनजी किट में आते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें क्या क्या एडऑन्स किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें हमने सीएनजी फिल्टर लगाया है। सीएनजी फिल्टर का काम होता है वक्त के साथ जब हम अपनी गाड़ी में सीएनजी फिल कराते हैं पंप से तो सिलेंडर में ऑयल डिपॉजिट हो जाता है, तो वो ऑयल किसी भी तरह से हमारे इंजन ब्लॉक में ना आए, ये फिल्टर उस ऑयल को रोकता है। उसके अलावा हमने इसमें लगाया है EGR फ्लेंच। जितनी भी होंडा सिटीज़ है 2014 एंड अबव उसमें ये EGR सिस्टम आता है। EGR सिस्टम बेसिकली गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस को या फिर अनबर्न फ्यूल को गाड़ी में रिसर्कुलेट करता है, उसकी वजह से सीएनजी पे स्पेशली गाड़ी में परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है, गाड़ी हल्के हल्के से झटके लेती है। तो ये EGR फ्लेंच क्या करता है, उन एग्जॉस्ट गैसेस की जगह एयर फिल्टर के थ्रू फ्रेश गैसेस को इंजन में रिसर्कुलेट करता है, जिससे कि सिस्टम को ये लगता है कि हाँ गैसेस सर्कुलेट हो रही हैं तो कोई चेक इंजन लाइट नहीं आती और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, क्योंकि अब गर्म एग्जॉस्ट गैसेस की जगह बाहर एटमॉस्फेयर की ठंडी गैसेस इंजन में जा रही है। ये तो हो गया EGR फ्रेंच का काम। और साथ में हमने इसमें पेट्रोल लेवल रिले भी एक इंस्टॉल की है, वो डैशबोर्ड के नीचे होती है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। उसका काम होता है कि होंडा सिटीज़ जो होती हैं उनमें जो फ्यूल का गेज होता है उसमें एरर आ जाता है बिकॉज इनका सेंसर टायर में होता है, तो गाड़ी चलती तो सीएनजी पे है मगर पेट्रोल का मीटर डाउन हो जाता है। तो जो हमारा रिले होता है वो क्या करता है, जब हम गाड़ी को पेट्रोल पे स्विच करते हैं तो एग्जैक्ट पेट्रोल दिखाता है कि गाड़ी में अभी कितना पेट्रोल है, और जब हम सीएनजी पे आ जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है। तो रिले का तो ये काम हो गया। बाकी वायरिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर स्लीव्ड वायरिंग है ताकि गाड़ी की हीट की वजह से वायरिंग में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। पीछे इसमें डायनामिक एडवांसर लगाया है। वैसे इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी बढ़िया चलता है मगर डायनामिक एडवांसर एक नया डिवाइस है और इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा क्विक होती है बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस, और ये गाड़ी के क्रैंक कैम थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जो स्टैटिक होता है उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिले होता है तो थोड़े बहुत जर्क्स आ जाते हैं मगर डायनामिक के साथ वो इशू नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारा इंजन बे। बाकी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ भी कहीं भी टांग दिया हो, एकदम नीट एंड क्लीन सेटअप है। एक बार मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि होंडा सिटी में कितना बूट स्पेस बचता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा होंडा सिटी का बूट स्पेस और आप देख सकते हैं कितना मैसिव स्पेस इस गाड़ी में बचता है। आप अच्छा खासा लगेज इस गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। जो सिलेंडर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है वो 12 किलो का है और स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, हाई क्वालिटी पाइप स्टैंड हम यूज़ करते हैं। डक्टिंग भी साथ में की है, इफ़ इन केस सिलेंडर में एक्स्ट्रा गैस आ जाती है तो वो इस डक्ट के थ्रू गाड़ी से बाहर चली जाती है और कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आती है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि पहले उनकी गाड़ी में क्या इशू आया था, मतलब बेसिकली स्टोरी क्या है गाड़ी की। सर अपनी गाड़ी की कहानी सुनाइए। सर ये 1.5 साल की बात है, इसलिए जब मैंने इस पर गाड़ी पे लगाई सीएनजी
तो ऐसे झटके देती थी, ऐसे झटके देती थी कि अंदर बंदा हिल जाए। और जो ओनर कहते थे, वो कहते थे इसमें कि क्लच का कोई दिक्कत है, उसको क्लच को नीचे करवा लो। मैंने क्लच नीचे करवा लिया, हल्का था, लूज करवा लिया, तब वो और झटके देने लगी। फिर वो कहने लगे सर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसमें क्या कहते हैं एसी ऑटोमेटिक है आपका, अच्छा। तो डाउन होता है वो कभी अपने आप ऊपर हो जाता है, फिर आपकी गाड़ी इसलिए झटके देती है, अच्छा। आप धीरे चलाओ उसको तो ये ठीक हो जाएगी। फिर मैं चला के देखी, एक दिन ये गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो गई और क्रैंक सेंसर उड़ गया इसका, अच्छा। उसके बाद मैंने दिमाग में डाल लिया, मैंने कहा मेरी नई गाड़ी है। हाँ, तब तो नई थी आपकी। हाँ बिल्कुल सर, न्यू थी। मैंने लगवाई, मैंने कहा इसमें अब नहीं लगाऊंगा सीएनजी, अब मैं इसमें से हटा दूंगा। मैं ओनर के पास गया, मैंने बोला हटाओ उसको। फिर उसके बाद सर किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि जूबी उस्ताद करके एक चैनल है, उन पे जाओ। और आज सर मैं इधर आया हूँ और मैं इतना खुश हूँ ना आज, मैंने कभी नहीं देखी। मतलब सेकंड गियर पे भी उठ जाती है ना होंडा सिटी, तो आपकी ऐसी है कि वो उठती है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड गियर पे जब ये सीएनजी पे उड़ गई तो मैं समझ गया नहीं भाई आज कामयाब, ये एक्सपर्ट है जो इंसान है, ये एक्सपर्ट है। तो मतलब अब सुकून है? अब तो सर अब सबसे ज्यादा सुकून अब होगा। चलो सर, वैसे दुखद कहानी थी मगर फाइनली अब सब चीज़ें सॉर्टेड हैं और सेटिस्फाइड हैं। देखिए जिनसे इन्होंने पहले लगवाई अब उनको ट्यूनिंग का इशू था कि क्या था, ये तो सर ही बेहतर बता सकते हैं या वो ही बेहतर बता सकते हैं। मेन फैक्टर क्या है, अब जैसे हमने किट लगा दी, जितनी भी ये किट्स हैं हर शॉप पे आपको सेम यही किट मिलेंगी, सबके पास यही सामान होता है। मेन होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। आपने किट लगा दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ नट लगाया वहाँ नट लगाया तार जोड़ी, ये इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हाँ ये आप एक बार लगाओगे दो बार लगाओगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे किट लगनी है इस गाड़ी में। मेन है कि आपको गाड़ी का बिहेवियर समझना है कि ये जो गाड़ी पर्टिकुलर होंडा सिटी है, एक्स वाई जेड कोई भी गाड़ी है, ये पेट्रोल पे कैसे चलती है। तो उसके बाद जब आप ये सब सामान लगाने के बाद गाड़ी को ट्यून करोगे तो आपको अब तब एक्सपर्टीज दिखानी है अपनी कि हाँ भाई मुझे पेट्रोल के आसपास ही लेके आनी है गाड़ी की परफॉर्मेंस सीएनजी पर भी। अगर आप गाड़ी के पोटेंशियल को समझ गए और आपने ट्यूनिंग कर दी जैसा गाड़ी पेट्रोल पर चलती है उसके अकॉर्डिंग, तो गाड़ी आपकी कभी धोखा नहीं देगी, गोली की तरह चलेगी, कोई इशू नहीं आएगा, हमेशा सीएनजी पे शानदार परफॉर्मेंस देगी। और जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी उतना ही बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिलेगी। बहुत सी गाड़ियां मेरे पास आती है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे उनमें लोडेड किट लगी हुई होती है, डायनामिक भी लगा होता है, फिल्टर ये अलाना फलाना यू नेम इट एंड दे हैव इट, मगर वो गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। वजह थोड़ी सी ट्यूनिंग, अगर ट्यूनिंग सही हो ना तो ये एडऑन्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी आपकी वैसे ही बहुत बढ़िया चलेगी। ये तो समझ लीजिए आपको एक एक्स्ट्रा समझ लीजिए चेरी ऑन द केक है कि हाँ भाई ये भी लगा दिया वो भी लगा दिया, मगर केक अगर टेस्टी नहीं होगा तो चेरी का कोई फायदा नहीं है। तो खैर इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। सर अब सेटिस्फाइड हैं, होपफुली ऐसे ही सेटिस्फाइड रहें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।